हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज नितिन, माय नेम इज सचिन। और अभी हम लोग पहुंच गए नालासोपारा स्टेशन पे, जो कि मुंबई के ही एक स्टेशन में से एक है। और अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे की जो लोकल आ रही है और एक इधर से भी अभी ये चर्च गेट की तरफ जा रही है, और ये जो लोकल एक हमारे पीछे आ रही है, ये आप देखेंगे ये विरार की साइड जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए और अभी आप लोगों को लेके चलेंगे जो नालासोपारा के नज़दीक है, कलंब बीच। कलंब बीच का एक बहुत ही अच्छा आपको विजिट कराएंगे, और आप देखते रहिएगा, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए रास्ते में कितने अच्छे अच्छे व्यू आते हैं। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ। चलिए अभी हम नालासोपारा स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं और आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे शॉप्स लगी हैं और यहाँ पे हम लोग जाएंगे अभी। तो आज बहुत ही मज़ा आने वाला है आप लोगों को, बहुत ही अच्छी अच्छी व्यूज़ मिलेंगे देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा ज़रूर, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये है नालासोपारा का बस डिपो। यहाँ से महाराष्ट्र के दूसरे कोनों में लॉन्ग रूट की बसेस जाती हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो पीछे आपको स्टेशन दिख रहा है, स्टेशन प्लेटफॉर्म, और ये सब पार्किंग है यहाँ पे स्टेशन के पास का। और अभी हम दोनों भाई चल पड़े हैं कलंब बीच की तरफ, तो आपको दिखाते जाएंगे कि क्या क्या आता है रास्ते में, कैसी मार्केट्स हैं, कैसी रोड्स हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए देखते रहिए हमारे साथ। अभी हम लोग स्टेशन से जस्ट बाहर निकले हैं, रोड पे आए हैं, ये जस्ट एक लिंक रोड है, और अभी हम लोग इधर से जाते जाते उधर जाएंगे मेन रोड पे। सामने मेन रोड है जो कि ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करता है, तो आप चलिए हमारे साथ। तो अभी ये हम लोग ईस्ट वेस्ट के रोड से कनेक्ट हो गए हैं, और ये देखिए अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पे मुंबई में एक चीज़ है, ईस्ट थोड़ा लेट, थोड़ा थोड़ा कम डेवलप होता है, और जो वेस्ट है वो जल्दी डेवलप होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स बहुत हैं, जगह जगह पे हर मोड़ पे एक स्पीड ब्रेकर है, ताकि लोग ध्यान से चलें और अपनी स्पीड को मेंटेन रखें। आप देख सकते हैं शोरूम, यहाँ पे सब आपको फैसिलिटी मिलेगी। आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पे हर चीज़ों की शॉप्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और ये यहाँ पे स्ट्रीट फूड भी बहुत फेमस है। यहाँ पे स्टॉल्स आपको काफ़ी मिलेंगे, ये रास्ते में आपको सब चीज़ें मिलेंगी। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये बहुत ही अच्छा प्लेग्राउंड है और बहुत ही बड़ा है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये लोग क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये लोग देखिए क्रिकेट का मैच चल रहा है, और बहुत ही अच्छा लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, टूर्नामेंट चला हुआ है लग रहा है कोई। यहाँ से आप देखेंगे कि मेन रास्ता थोड़ा हम शहर के क्राउड से दूर आ गए हैं, और यहाँ से बीच का रास्ता ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ से कि गांव वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध गेट है, आप देखेंगे कि गेट बना हुआ है जैसे कि सारनाथ में बना हुआ, बहुत ही देख के आप देखेंगे बहुत ही अच्छा लग रहा है, कितनी शांति मिलती है ना इनकी फ़ोटो को देख।
अभी देखिए ये आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे बोर्ड आया, यहाँ पे कलम चौपाटी है 1 किलोमीटर इस साइड को, वो जो रोड आप सामने देख रहे हैं आपके राइट साइड में जो रोड जा रही है, राजौड़ी चौपाटी भी उससे थोड़ा आगे जाके है, और वसी चौपाटी आपको सामने 11.5 किलोमीटर पे मिलेगा। तो ये बोर्ड सिग्निफाइज करता है कि कितना किलोमीटर है, और इसी रास्ते में है, मतलब कि हम सही रास्ते में हैं। ये जो उस साइड जा रहा है वो चला गया वसई बीच को, और ये हम चले गए इस साइड राजौड़ी और कलम बीच को। देखिए एक बच्चा हॉर्स राइडिंग को एंजॉय करता हुआ। हेलो, ये देखिए ये जो घर आप देख रहे हैं ना, मुझे बहुत पसंद है, मैं जब भी आता जाता हूँ इसे ज़रूर देखता हूँ। ये ग्रीन कलर की बिल्डिंग बहुत ही प्यारी लगती है मुझे। ये यहाँ पे ये है ताड़ के पेड़, आपको मुंबई में और इससे किस एरिया में आपको ताड़ के पेड़ बहुत पेड़। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बस भी आती है अपनी स्टेट गवर्नमेंट की कलम बीच के लिए स्टेशन से, तो आप डायरेक्टली बस से भी आ सकते हैं। अगर आपके पास व्हीकल नहीं है, अपना कन्वेंस नहीं है, तो आप बस से भी आ सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा व्यू लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा कि देखिए कितना अच्छा व्यू है, और यहाँ पे ये लोगों ने सब्जियाँ उगा रखी हैं, हिंदी में आई थिंक घेवड़ा कहते हैं और पंजाबी में तोरी कहते हैं, मुझे ये दो लैंग्वेज का ही पता है। तो काफ़ी सारी यहाँ लोग खेतियाँ करते हैं, लोकल में सब्जियाँ उगाते हैं, और फिर वही शाम को मार्केट में बिकने जाती हैं। तो अभी हम बिल्कुल कलम गाँव के बीचों बीच में हैं, और अभी हम बिल्कुल पास के, मतलब आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट बीच रोड पे हैं हम लोग। बहुत ही चंद कुछ ही मिनटों में हम लोग, 1 या 2 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पे। बस भी मिले डी डायरेक्टली, ऑटोज भी मिलते हैं स्टेशन से, आप ले सकते हैं डायरेक्टली। आप यहाँ पे आइए, कुछ बहुत ही कम कीमत में आपको, कम फेयर में आपको यहाँ पे ले आएंगे ऑटो वाले, या बस फेयर तो बहुत ही कम होता है। देखिए यहाँ तक बिल्कुल किनारे तक ऑटोज आते हैं, ऑटो वाले आपको ले आएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको छोटे छोटे स्टॉल भी मिलेंगे, शाम को थोड़ी और रश हो जाता है यहाँ पे। आप लोग यहाँ पे शाम को जब आएंगे तो यहाँ पे आपको हॉर्स राइडिंग भी मिलेगा और कैमल राइडिंग जो कि आप देख रहे हैं आपको मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पे एक फैमिली यहाँ पे कैमल राइडिंग कर भी रही है, आप यहाँ देख सकते हैं कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि कैमल राइडिंग है, लोग बाइक्स भी लेके आ रहे हैं यहाँ पे। ये वो जो सामने आप दूर देख रहे हैं, करीब करीब 2 किलोमीटर पे रहेगा, वो सामने ही वो राजौड़ी बीच है, राजौड़ी बीच है, और इस साइड है, इस साइड जो देखेंगे मेरे ऑपोजिट साइड, इस साइड आपको वहीगांव बीच और वसई बीच आगे बहुत आगे चल के मिलेगा, वो काफ़ी दूर है। हाँ, तो अभी आप देख रहे हैं, आप लोगों को सरप्राइज देंगे हम लोग। ये देखिए अभी हम लोग कैमल राइडिंग करने जा रहे हैं, कैमल पे बैठ के चलो भाई लेके चलो कैमल वाले भैया, तेरी इतना बड़ा झटका, अरे बहुत हम लोग हाइट पे पहुंच गए। ये मैं पहली बार यहाँ पे कैमल राइडिंग कर रहा हूँ, मैं लाइफ में, लाइफ में मी टू, लाइफ में फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम हम लोग कैमल राइडिंग कर रहे हैं दोनों भाई मिल के। और ये हमारे कैमल भैया इंस्ट्रक्टर भाई साहब, भाई बोल रहा है इधर इधर देख इधर। तो चलिए अभी आपको थोड़ा एक बाइक से राइड करवा देते हैं, देखते हैं यहाँ पे, और आप लोगों को दिखाते हैं कि कितनी लंबी बीच है ये। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही शांति मिलती है, जैसे बोलते हैं ना कि पहाड़ों में जाके, एक्चुअली हम लोग तो नॉर्थ साइड से, तो हमें तो भाई पहाड़ों में जाके बहुत मज़ा आता है, पर जब से यहाँ शिफ्ट हुए ऐसा लगता है कि जैसे पहाड़ों में सुकून है वैसे ही बीच पे भी हमें सुकून मिलता है।
बीच शांत होनी चाहिए थोड़ा, क्योंकि यार लहरें काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर पानी सब बहुत ही मतलब मज़ा नहीं आ पाता। जैसे शांत जैसे अभी दिख रहा है आपको वैसे लहरें हों तो बहुत ही अच्छा लगता है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को एक मैसेज भी देना चाहूँगा ये वीडियो के साथ कि बीच पे आएं ज़रूर पर गंदगी ना फैलाएं, खूब इंजॉय करें, खूब मस्ती करें पर गंदगी ना फैलाएं। गंदगी फैलाएंगे ना तो फिर वो फिर बीच दूसरों के लिए और ख़ुद के लिए भी आपके लिए परेशानी बन जाती है। तो प्लीज़ आएं ज़रूर, घूमें, सब कुछ करें, खाएं पिएं। तो अभी हम लोग आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखा रहे हैं जो लास्ट में, अभी हम लोग थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को पता नहीं, देखिए यहाँ पे ये रिजॉर्ट्स वगैरह हैं तो यहाँ पे आप लोग फैमिली के साथ आके अपना एंजॉय कर सकते हैं। और ये देख रहे हैं आप मेरे पीछे ये सब व्यू वगैरह कितना प्यारा लग रहा है, आप लोगों को बता दूँ देखिए। और यहाँ से आपको ये जो सनसेट, शाम को आपको सनसेट का व्यू मिलेगा और आप कभी भी यहाँ पे आके अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारी वीडियोस को। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो हमारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं अच्छी लगेंगी और लगती रहेंगी, तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और देखते रहिए। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। ओके बाय बाय, थैंक यू।